हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे आलू के परांठे नए तरीके से, बिना तेल के। और इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जैसे कि आलू के परांठे जब बनाएं तो फटे नहीं हो, परफेक्ट परांठे बने। तो सबसे पहले टिप ये है कि जब भी आलू के परांठे बनाएं तो ग्रेट कर लीजिए आलू उबालने के बाद उसको। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किया है हरी मिर्च, अदरक, प्याज और हरा धनिया काट के अच्छे से उसको डाल दिया है। फिर चिल्ली फ्लेक्स इसमें ऐड किए हैं थोड़े, उसके बाद थोड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, नमक डाला, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा मैंने ऐड किया है यहाँ पर, काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर, आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने अजवाइन उसको अच्छे से थोड़ा क्रश करके पास से फिर डाल दिया, और कसूरी मेथी भी ऐड करें अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसका भी। उसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे इसके अंदर, पिंच ऑफ। उसके बाद सबको मिक्स कर लेंगे और एक डो बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे अपने परांठे बनाने की तैयारी। मैंने आटा पहले ही गूंद के रख लिया था। इसमें एक टिप है, जब भी आप परांठे बनाएं आलू का तो थोड़ा सा मुलायम आटा गूंदें, तो उससे क्या होगा, पराठे फटेंगे नहीं। अगर आपका जो डो हार्ड बना होगा तो फट सकते हैं पराठे। बाद में थोड़ा चाट मसाला भी ऐड किया है इसके अंदर, तो अच्छे से मैंने इसकी लोई बना के थोड़ी हाथ से गूंद ली। उसके बाद सूखा आटा लगाया, उसको थोड़ा बेल लिया, ज़्यादा नहीं बेलना है स्टफिंग से पहले, हमको थोड़ा सा ही बेलना होगा। उसके बाद थोड़ा सा बॉल बनाएंगे आलू के, जो स्टफिंग थी उसका, उसको बीच में रखेंगे बिल्कुल, और ऐसे जैसे वीडियो में देख रहे हैं प्लीट्स बना के इसको पूरे को बंद कर देंगे अच्छे से, जिससे कि पूरा कवर हो जाए जो डो है, जो आलू की बिट्टी थी उसके अंदर। फिर सूखा आटा लगाएंगे और उसको हाथ से थोड़ी देर के लिए ऐसे उसको लंबा शेप देंगे, जिससे कि वो फटे ना, और फिर हल्के हाथ से बेलेंगे। जब ही परांठे बनाएं तो हल्के हाथ से बेलिए, अदरवाइज जो स्टफिंग होगी वो बाहर निकल आएगी। उसके बाद को सेक लेंगे, बिना तेल के मैंने यहाँ पर इसको सेका था, और अच्छे से सिक जाएंगे। दबा दबा के इसको ऐसे प्रेस करके आप सेकिएगा, तो पहले एक साइड, दूसरी बार दूसरी साइड के अंदर। उसके बाद हम इसको हटा देंगे फ्लेम के ऊपर जब ये आधे पक जाएंगे, और फिर इसको डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे, जैसे तंदूर जैसा फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। जैसे मोर्टल में अगर आप लोग गए होंगे डेली के आसपास, या फिर अगर ढाबे में खाए होंगे परांठे, तो मोस्टली आपको तंदूर वाले परांठे ऐसे ही मिलते हैं। तो अगर वो टेस्ट आपको चाहिए, बिना तेल के आपको परांठे खाने हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर लाता है इस तरीके से बनाएंगे तो आप। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे सब तरीके तरफ से, बट कोई भी डाइट हो, बट मैं तो बिना बटर के परांठे खा ही नहीं सकती, तो आखिर में मैंने यहाँ पे बटर लगाया, ऑप्शनल है, और आपका मन चाहे तो आप बटर लगा सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए चाय के साथ परांठे, और या फिर अचार के साथ। अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।